हेलो एवरीवन, तृप्ति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस पालक पनीर की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। वैसे तो आपने कई बार पालक पनीर बनाया होगा और आज मेरे बहुत ही इजी तरीके से पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने पालक को अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। पानी को हमने पहले ही बॉईल करने रख दिया था, तो पालक को हमें 1 से 2 मिनट तक ही बॉईल करना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा बॉईल करेंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और साथ ही साथ जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लिड को हम लगा देंगे, तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर, 1 बड़ा सा प्याज और अदरक लहसुन ले लिया है। इसको हम रफली चॉप्ड कर लेंगे इस तरीके से। 2 मिनट हो गए हैं तो पालक उबल चुकी होगी, हम लिड को हटा लेंगे। तो ये देखिए पालक का कलर भी एकदम प्रॉपर है, तो इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और आप चाहे तो ठंडे पानी से धो लीजिए। ये जो पानी निकला हुआ है उसको हम हटा देंगे और पालक को ठंडा होने देंगे। तो पालक ठंडी हो रही है तो गैस को करेंगे ऑन और इस पर एक पैन रखेंगे। करीब 1 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है, आप चाहे तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रफली चॉप्ड प्याज को डाल दिया है, इसको हम ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। अब हमने अदरक और लहसुन को भी ऐड कर दिया है। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने में करीब 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो जो हमने रफली चॉप्ड करके टमाटर रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो टमाटर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटर को सॉफ्ट होने में करीब 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, तो हम लिड को लगा देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, लिड को हटा लिया है, टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस को करेंगे ऑफ और मसाले को ठंडा कर हम पीस लेंगे। तो पालक पनीर की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि पालक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए और फॉलेट पाया जाता है। बहुत ही हेल्दी रहती है ये हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो मसाले हैं हम इनको साथ साथ पीस लेंगे। मसाला पिस गया है तो बहुत ही बढ़िया से पालक का कलर आया है। तो पैन को रखेंगे हम गैस पर, गैस को करेंगे ऑन, फ्लेम को लो मीडियम रखना है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला हमने कुकिंग ऑयल। पनीर को हम फ्राई करेंगे, आप चाहे तो कच्चा पनीर भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो ये पनीर को हमें केवल 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। पनीर फ्राई हो गया है तो हम इसको निकाल लेंगे। अब उसी पैन में जो ऑयल बचा है उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर और जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ जो मसाला जार में बच गया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम उसको भी निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा सा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च पहले ही डाल दी थी इसमें। और यहाँ धनिया पाउडर को ऐड करेंगे और इन दोनों को हम मसाले के साथ ही फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला करीब 1 टीस्पून, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे।
अब जो पनीर हमने फ्राई करके रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे करीब आधा कप पानी, क्योंकि हमें ग्रेवी को थोड़ा थिक ही रखना है। रेस्टोरेंट में भी थिक ग्रेवी ही मिलती है और पालक पनीर की थिक ग्रेवी ही अच्छी लगती है। अब हम लिड को लगा देंगे, करीब 5 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, लिड को हटा लिया है हमने, तो पालक पनीर बनकर एकदम रेडी है। यहाँ पर हम बटर यूज करेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें घर के दूध की मलाई भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है पालक पनीर में। मैं कई बार मलाई का भी यूज करती हूँ। तो पालक पनीर बनकर रेडी है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी है इसकी और कलर भी एकदम से बढ़िया सा ग्रीन है। तो अब हम गैस को करेंगे ऑफ और पालक पनीर को हम सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया पालक पनीर बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका पालक पनीर कैसा बना। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस पनीर बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और यदि आपको इस रेसिपी का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।